हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी नई फिल्म धाकड़ की वजह से देखिए लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। कंगना इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े चैनल्स को देखिए इंटरव्यू दे रही है। कंगना अपने इन इंटरव्यूज में देखिए बॉलीवुड स्टार्स पर भी निशाना साध रही है। पहले तो कंगना ने अक्षय और अजय को लताड़ लगाई, फिर कंगना ने स्टार किड्स को उबला हुआ अंडा भी बता दिया। अब कंगना ने चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे का भी मजाक उड़ाया है। दरअसल हाल ही में कंगना अपनी फिल्म धाकड़ के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के शो पर पहुंची थी। इस दौरान कंगना ने कपिल के साथ जमकर मस्ती भी की, तो वहीं उन्होंने अनन्या पांडे का नाम लिए बिना ही उन पर चुटकी ले डाली। द कपिल शर्मा शो से कंगना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कंगना ने नेपोटिज्म के बाद एक नए शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब कपिल शर्मा कंगना से पूछते हैं तो एक्ट्रेस अनन्या पांडे की नकल करके समझाती हैं। कंगना रनौत ने अनन्या पांडे का मजाक उड़ाया है और हालांकि उन्होंने अनन्या पांडे का बिना नाम लिए ऐसा किया है। वायरल वीडियो में कपिल शर्मा कंगना रनौत से पूछते हैं, बॉलीवुड बिंबो कौन है? तो कंगना रनौत ने बिना नाम लिए कुछ ऐसा किया जिसे देखने के बाद साफ लग रहा है कि उन्होंने अनन्या पांडे पर निशाना साधा है। कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा, जो लोग जीभ से नाक छू सकते हैं वो सभी बॉलीवुड बिंबो हैं। इसके अलावा उन्होंने अनन्या पांडे की नकल भी की और अपनी जीभ को नाक तक छू कर भी दिखाया। तो कंगना ने अनन्या की तरफ ये काम करते हुए बताया और इस तरह के लोग बॉलीवुड बिंबो होते हैं। आपको बता दें कि द कपिल शर्मा शो में कुछ दिनों पहले ही अनन्या पांडे अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आई थी और अनन्या से जब ये पूछा गया था कि क्या वो अपनी जीभ से अपनी नाक छू सकती है, तब उन्होंने ऐसा करके दिखाया और इसे उन्होंने टैलेंट कहा था। अब बात करें कंगना की फिल्म धाकड़ की, तो इस फिल्म में एक्ट्रेस एजेंट अग्नि के किरदार में आपको नजर आएंगी। फिल्म में कंगना के साथ साथ देखिए अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता भी अहम रोल में नजर आएंगे। राजीव घई के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 20 मई को रिलीज होगी। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि कंगना की इस एक्टिंग पर अनन्या पांडे किस तरह से रिएक्ट करती हैं। वैसे आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।